सभी शहर में आपको वेलकम खुश आमदीन। उम्मीद करते हैं आप सब कैसे होंगे, खुदा के फजल से, खुदा के करम से, उसकी बेबहा मोहब्बत से। आज शहर के किचन में जबरदस्त किस्म का बना रहे हैं पिज्जा पराठा, बनाते हैं खुदा के खूबसूरत बबरकत नाम से। पिज्जा पराठा बनाने के लिए मेरे पास 2 eggs हैं, इनके 2 अंडे, बीट 1 teaspoon मैंने शुगर ऐड कर दी है। अच्छे से इसको हम चीनी बीट करेंगे, ईस्ट ऐड करेंगे, साथ ही हम जो है इसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे, इनके दूध, थोड़ा थोड़ा मिल्क डालते जाएंगे और अच्छे से इसको बीट करते जाएंगे। आप देख सकते हैं ईस्ट जो है वो होता है एक्चुअली खमीर, तो खमीर भी मैंने ऐड कर दी है। अभी आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसको कर लिया बीट। अभी इसके अंदर हम डालेंगे फ्लावर यानी कि मैदा, बैटर। ये देखिए कितना अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अभी इसको राइज होने के लिए टाइम देंगे। पिज़्ज़ा पराठा बनाने के लिए मैंने जो बैटर बनाया था आप देख सकते हैं कितने अच्छे से राइज हो चुका है। अभी इसके अंदर जो है हम थोड़ी वेजिटेबल ऐड करेंगे, थोड़ा चिकन ऐड करेंगे, इसमें थोड़ा सा हमने चॉप किया ऐड करेंगे अनियन यानी कि प्याज, बारीक बारीक मैंने काट लिया था। कैप्सिकम ऐड करेंगे यानी कि शिमला मिर्च, इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटो डाल रही हूँ जी, इसको भी मैंने चॉप कर लिए थे, इसके बीज निकाल लिए थे, इसको भी अच्छे से करेंगे। मेरे पास रेड एंड ग्रीन चिली है यानी कि हरी मिर्ची और लाल मिर्ची, इन दोनों को मैंने अच्छे से बीज निकाल के चॉप कर लिए, ये भी ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर मिर्ची ज़्यादा खाते हैं तो मिर्ची ज़्यादा डाल दें, अगर कम खाते हैं तो फिर कम डालें। और मेरे पास चिकन है, चिकन मैंने अच्छे से बॉईल करके रेशे रेशे कर लिया था, आप चिकन देख सकते हैं। चिकन को जब मैंने बॉईल किया था नमक डाल के मैंने बॉईल किया था, अच्छे से करेंगे मिक्स। धनिया, थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। पराठे, पराठे बहुत ही मज़े के बनेंगे आज, आप इसको एंजॉय ज़रूर करेंगे। पराठा बनाने के लिए मैंने फ्राई पैन जो है वो ले लिया है, हमने बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऑयल नहीं डालना, बस इतना डालना है कि हमारा जो फ्राई पैन है वो ऑयली हो जाए। तो अच्छे से हमने इसको ग्रीस कर लेना है। अच्छे से इसको जो है हम स्प्रेड कर देंगे फ्राई पैन में, ऑयल जो है थोड़ा थोड़ा हम फ्राई पैन के साइडों पे लगाएंगे कि चिपके नहीं हमारा जो पिज्जा पराठा है। अब चेक करते हैं इसकी साइड को, एक साइड से अगर कुक हो गया तो फिर साइड चेंज करेंगे, पिज्जा पराठा की साइड चेंज करेंगे। ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है, इसको इजी से उठाएंगे और इसकी कर देंगे जी साइड चेंज। एक साइड से ये देख सकते हैं आप बहुत ही जबरदस्त किस्म का कलर आया है। अभी इसकी साइड चेंज करेंगे, लुक आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत हमारे पिज्जा पराठा की बनी है। आज का हमारा पिज्जा पराठा कैसा आपको लगा है आपने जरूर मुझे बता। पराठा मैं आपके सामने कटिंग करती हूँ, कितना ये हमारा पिज्जा पराठा लुक आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लुक आया है।